नमस्कार। पीएमसी हिंदी के सुबोध्य ध्यान श्रृंखला में मैं नंदिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन का शुरुआत ध्यान से हो जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए हम सब मिलकर आज के दिन की शुरुआत ध्यान से करते हैं। आज हम आनापानासति ध्यान करेंगे। आनापानासति ध्यान बहुत ही साधारण रूप में होता है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, कृपया किसी भी आरामदायक स्थान पे बैठ जाएं। आप ज़मीन पे बैठना चाहें तो भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं, किसी कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। जो भी आपको सबसे ज़्यादा आरामदायक लगे आप वहाँ स्थान ग्रहण करें। बैठने से पहले अगर आप जल ग्रहण करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने कमरे की रोशनी को थोड़ा धीमा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सभी जब एक स्थान ग्रहण कर लें तो अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को उंगलियों आपस में बांध लीजिए, पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहन रखा है तो कृपया उसे उतार दें, आपको चश्मे की अब कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले कुछ क्षण हम केवल अपने स्वयं के साथ बिताएंगे इस आनापानासति ध्यान के द्वारा। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। जैसे ही आपकी सांस बाहर आ रही है महसूस करिए पूरे शरीर को के एक एक क्षण को रिलैक्स होते हुए। एक एक सेल, एक एक मसल आपका रिलैक्स हो रहा है। अब अपना सारा ध्यान अपनी स्वाभाविक अंदर आती और बाहर जाती श्वासों पे रखिए।
रूप से इस क्षण में आ जाइए। महसूस करिए आपकी कोमल निर्मल सांसों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। आनापानासति ध्यान हर किसी के लिए है, बना है, चाहे वो कोई बच्चा हो, जवान हो, युवक हो या कोई उम्र में बड़ा हो, बुजुर्ग हो। आप किसी भी उम्र के हो, अपने उम्र के नंबर से नंबर को लेके उतने ही समय तक ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर आप 15 साल के हैं तो केवल 15 मिनट से शुरुआत करिए ध्यान करना, आनापानासति ध्यान करना। कोई भी सोच विचार नहीं, केवल अपने अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ ही रहना है। ना ही कोई वर्तमान है, ना ही कोई पिछला गुजरा समय है। आप पूर्ण रूप से इस क्षण में अपनी श्वासों के साथ रहें। दिन की शुरुआत ध्यान के माध्यम से करने से पूरे दिन की क्लैरिटी हमें मिल जाती है और पूरे दिन में काम करने की ऊर्जा भी हमें भरपूर मिल जाती है। तो सुबह सुबह ध्यान करना बहुत ही लाभदायक रहता है। जैसे जैसे आप केवल अपने अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ रहते रहेंगे, आपके सारे सोच विचार धीरे धीरे करके शून्य स्थिति में चले जाएंगे।
केवल अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ रहिए। आप अपनी श्वासों को देख भी सकते हैं। कोई सोच विचार आए भी तो अपना सारा ध्यान केवल अपनी अंदर आती श्वास और बाहर जाती श्वास पे ले आइए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी श्वासों के साथ रह के गहरे उतरने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। हम महसूस कर सकते हैं एक ऊर्जा का एहसास। इस ऊर्जा को कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, जो कि जब हम ध्यान करते हैं हमारे अंदर प्रवेश करती है। और ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में कोई भी जगह पे किसी भी तरीके का ब्लॉकेज या ऊर्जा की कमी हो तो वहाँ जाके अपना कार्य करती है और हमें ऊर्जा से भरपूर कर देती है। और इसी तरीके से दोस्तों, हम केवल ध्यान से कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त करके अपने शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी को, डिजीज़ को स्वयं ही हील कर सकते हैं। केवल अपनी श्वासों के साथ ही रहिए। अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ रहना है।
आना पाना सती ध्यान में। सात तरीके के अनुभव होते हैं जब हम ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर हल्का महसूस होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा शरीर है ही नहीं, हम शरीर हैं ही नहीं। ऐसा भी महसूस होने लगता है जैसे हम धरती से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, जैसे कोई फेदर हो। दूसरा अनुभव, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा शरीर कॉस्मिक ऊर्जा से भरपूर होने लगता है। हम बैठे एक जगह पे हैं मगर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम जोर जोर से हिल रहे हों। आगे पीछे हमारा शरीर घूम रहा हो। तीसरा अनुभव, जैसे ही जैसे हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं, हमारा मस्तिष्क बहुत ही भारी महसूस होने लगता है, जैसे हमारे ऊपर पहाड़ रख दिया हो। चौथा अनुभव, आनापानसती ध्यान में आनापानसती ध्यान करते वक्त हमारी आंखें तो बंद हैं मगर हमें अपने ध्यान में तरह तरह के रंग दिखने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं।
बहुत ही तेज़ रोशनी आँखों के सामने, बंद आँखों के सामने आने लगती है। ये कलर्स और ये रोशनी तरह तरह की सेलेस्टियल बीइंग्स, एंजल्स के होने का प्रमाण है। ये रंग और रोशनी आपकी खुद की भी हो सकती है। पांचवा अनुभव, जब हम ध्यान करते हैं तो हम हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिना चले, बिना कोई ट्रांसपोर्ट लिए जा सकते हैं, केवल आंखें बंद करें। आपका शरीर वास्तव में एक जगह पे बैठा है, मगर आपके ध्यान में आप उड़ रहे हैं। सातवां अनुभव, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं और गहरे ध्यान में चले जाते हैं तो हम आंखें बंद होते हुए भी एक स्पाइरल टनल में जाते जाते रहते हैं और उस टनल के उस पार हमें दृश्य दिखने लगते हैं। हमें कुछ पिछड़े हुए साथी परिवार वाले जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। हम डिफरेंट मास्टर्स से भी मुलाकात करते हैं। इस अनुभव को थर्ड आई एक्सपीरियंस कहते हैं। कोई भी आंखें ना खोले, केवल अपनी अंदर आती और बाहर जाती श्वासों के साथ ही रहिए।
कोई भी आंखें ना खोले। केवल अंदर आती श्वास और बाहर जाती श्वासों के साथ ही रहिए। ध्यान करते दौरान अपनी आंखों को बिल्कुल भी ना खोलें। केवल कुछ क्षण और कोई भी अनुभव या सोच विचार आए भी तो उसे साक्षी भाव से देखिए और अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पे ले आइए। आखिरी 5 मिनट हम गहरे ध्यान में हैं। पूर्ण रूप से साक्षी भाव से इस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। आखिरी 3 मिनट आखिरी 10 सेकेंड पांच चार 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे अपने हाथों को खोल लीजिए और अपने हाथों की हथेलियों को आँखों पर रख लीजिए। जब भी आप तैयार हों
अपनी आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद।